हेलो बच्चों। बच्चों हेलो सर। हेलो सर। आज जो है हम स्टेट ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने पढ़ा था बॉयज लॉ। बॉयज लॉ में क्या होता है, कौन सा मतलब टर्म कांस्टेंट रखते हैं, बताओ। कैसे टेम्परेचर याद किया था हमने, याद किया था बिट्टू। बिट्टू याद किया बिट्टू। था, अरे बिट्टू यस सर। मतलब बी से बॉयज और टी से टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, एन तो सब में कांस्टेंट रहता है भाई, मोल तो सब में कांस्टेंट था ना, एन तो सब में कांस्टेंट था, बोलो भाई। यस सर। सर क्या बोलते थे, देखो इक्वेशन क्या था हमारा, पीवी बराबर NRT, ये आइडियल गैस का इक्वेशन था ना। कौन कौन कांस्टेंट हो गया भाई, एन कांस्टेंट एन को काटो, टी कांस्टेंट टी काटो, आर कांस्टेंट ही आर रहता भी है आर कॉन्स्टेंट। को काटो। तो इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, पीवी बराबर के लिख सकते हो। के क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ये हमने पढ़ा था बॉयज लॉ में। फिर हमने क्या किया था कि भैया ये के बराबर है तो हम इसको लिख सकते थे क्या, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P2V2। ठीक है। क्योंकि P1V1 का वैल्यू भी क्या होगा, के होगा, P2V2 का वैल्यू भी के होगा, तो दोनों के बराबर है तो इक्वल हो जाएगा। अरे बोलो भाई। यस सर। तो अब ये आते हैं आज का पहला चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या होगा, क्या कांस्टेंट होगा, कोई बता सकता है। प्रेशर। इसमें आप याद रखना क्लिनिक प्लस, क्या याद रखना, ये क्लिनिक प्लस याद रखना, क्लिनिक प्लस। तो सी से क्या हो गया चार्ल्स और पी से क्या हो गया प्रेशर। तो प्रेशर चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट। वो सारे प्रेशर बहुत आसान है, जितने भी लॉ है ना सबके सब आसान है। देखो कहीं तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कहीं प्रेशर कांस्टेंट होगा, कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। बच्चे बस इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया प्रेशर कहाँ कांस्टेंट रखना है। हम तो ट्रिक से पढ़ ले रहे हैं, ट्रिक से कैसे पढ़ ले रहे हैं, अरे पी से प्रेशर मतलब सीपी, क्लिनिक प्लस है ना, तो क्लिनिक प्लस याद रखोगे तो क्या हो गया भैया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। और एन तो प्रेशर कांस्टेंट ही है और आर भी। और आर, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर NRT, यही होता है ना। अब जो जो कांस्टेंट है यस सबको काटो, क्या कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है, पी आर कांस्टेंट है कॉन्स्टेंट और और आर कॉन्स्टेंट और पी कांस्टेंट है। कॉन्स्टेंट है। तो बचा क्या, भी वी इज इक्वल टू के टी, लिख सकते हो, यस वी बराबर के टी लिख सकते हो। अरे जो सर। कांस्टेंट है उसको काट के एक नया कांस्टेंट के कांस्टेंट, जो जो आपका कांस्टेंट था उसको हमने कट किया और उसके जगह पे के लिख दिया, तो वी बराबर के टी नहीं लिख सकते हो। ये सर लिख सकता है। तो इसको हम चाहे तो इसको ऐसे एज इट ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वी बाई टी इज इक्वल टू के, लिख सकते हो, यस सर। V by T यस is equal to क्या हो गया आपका, K हो गया। तो चलो प्रार्थना, आप लेट हो गए, लेट हो गए भाई। चलो इधर देखो, V by T is equal to क्या हो गया, K। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाए, अगर प्रेशर आप कांस्टेंट रखोगे तो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अरे होगा कि नहीं बताओ भाई, यहाँ पे देखो वॉल्यूम इज वी इज इक्वल टू के टी लिखे हो, तो यस सर। प्रेशर कांस्टेंट है तो वी क्या हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, हो यस सर। गया ना। तो यही लिखा हुआ है चार्ल्स लॉ में कि यदि क्या हो जाए, अगर वॉल्यूम जो है, अगर प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जाएगा तो वॉल्यूम जो होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो बताओ, वी इक्वल टू के टी नहीं लिख दोगे, वी इक्वल टू के टी लिख दोगे तो वी बाई टी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लिख दोगे। तुम बताओ इसको, तुम लिखो तो तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वी बाई टी इज इक्वल टू के, यही था ना, वी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट के। तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो V1 by T1 इज इक्वल टू के, और क्या लिख सकते हो, V2 by T2 इज इक्वल टू के। अरे लिख सकते कि नहीं बताओ भाई। अब देखो ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, तो दोनों को इक्वल करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2 लिख सकते हो। यस जो है इस इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट
चार्ल्स लॉ का जो इक्वेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही है। सारे न्यूमेरिकल जो भी होंगे मैक्सिमम मतलब इसी मतलब मैक्सिमम कैसे एक ही फॉर्मूला ही है तो इसी पे सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल जो होगा इसी पे सॉल्व होगा। वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू क्या होगा वी टू बाई टी टू होगा ठीक है टी टू वी टू बाई टी टू आज यह सबसेंट है टी वन बाई टी टू टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी टू ठीक है। चलिए फिर ये रहा आपका इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या है ये आपका किसका इक्वेशन है चार्ल्स लॉ का। तो देखो चार्ल्स लॉ में क्या होगा चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे सीपी क्लिनिक प्लस तो प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो बस। अरे ये फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या होगा यार तुम ये करना ना चार्ल्स लॉ मतलब प्रेशर कांस्टेंट पीवी बराबर एनआरटी पीवी बराबर एनआरटी जो कांस्टेंट है वो सबको काट दो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर काट दिए और क्या है और क्या है आर कांस्टेंट है आर काटो एन काटो तो वी बराबर टी हो गया क्योंकि डायरेक्ट हम इक्वल नहीं लिख सकते एक एक कांस्टेंट लेके आएंगे क्योंकि तुम बहुत सारी चीज को काट रहे हो ना ऐसे थोड़ी गैप करते हैं कांस्टेंट को तो उसको काट रहे हो तो क्या होगा एक की के लिखते हैं तो बी बराबर के टी है इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे बी बाई टी इज इक्वल टू के कांस्टेंट। हाँ और इसको आप क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो बी वन बाई टी वन इज इक्वल टू बी टू बाई टी टू। अच्छा ये बताओ ये चार्ल्स लॉ में तुमने क्या कांस्टेंट लिया प्रेशर कांस्टेंट लिया ना और प्रेशर का एक यूनिट बार भी होता है बार होता है कि नहीं बार होता है तो जो तुम्हारा इसमें कर्व जो बनेगा ना वो जो ग्राफ बनेगा उसको बोलोगे आइसोबार। आइसोबार देखो आइसोबार क्या होता है द कर्व ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो कर्व होगा ना जो ग्राफ होगा ठीक है। अरे क्यों क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट रख दियो ना देखो आइसोबार बार का मतलब समझना आइसोबार किसे बोलेंगे जहां पे प्रेशर कॉन्स्टेंट आइसो का मतलब होता है सेम कॉन्स्टेंट और बार का हो गया आपका प्रेशर का यूनिट तो आइसोबार में क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आइसोथर्मल थर्मल थर्मल मतलब टेम्परेचर तो आइसोथर्मल में क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोबार में प्रेशर कांस्टेंट। तो देखो ये चार्ल्स लॉ बताओ चार्ल्स लॉ किस पे है बेस भाई आइसोबार प्रेशर कांस्टेंट ठीक है प्रेशर कांस्टेंट पे है ना यस सर। अब इसके ग्राफ देखते हैं इसके ग्राफ देखते हैं ये देखिए y हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा था इसको y बोलते थे इसको x बोलते थे ये स्लोप हुआ इसको m बोलते थे यही ग्राफ होता था ना yes, sir. y इज इक्वल टू एम एक्स का ये ग्राफ हुआ कि नहीं बोलो जोर से यस सर नहीं हुआ ना ठीक है तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हुआ। अब बताओ यहाँ पे क्या था आपका v इज इक्वल टू के टी था ना अरे v इज इक्वल टू के टी नहीं था yes, sir. v इज इक्वल टू के टी तो ये भी तुम्हारा v इज इक्वल टू के टी है तो इसको तुम y इज इक्वल टू एम एक्स नहीं मान सकते हो ये आपका इसको y मान सकते हो इसको x मान सकते हो और ये क्या हो गया m हो गया yes, sir. तो y इज इक्वल टू क्या हो गया भैया एम एक्स तो बताओ ये y एक्सिस पे v लिख दिए x एक्सिस पे t लिख दिए और ये ग्राफ बन गया yes, sir, and slope. y is equal to mx का ये ग्राफ नहीं हो गया ये क्या हो गया ये क्या हो गया ये आपका y है ये आपका x है और ये जो स्लोप बना ये स्लोप क्या है ये स्लोप आपका m यानी कि k है ठीक है क्या भैया k अरे कोई दिक्कत no, sir. अब इस k का अगर वैल्यू हम फाइंड करना चाहे तो देखो k का वैल्यू क्या होगा एक तो तुम ये ध्यान रखो अगर ग्राफ में v और t का ग्राफ है तो हमेशा उसका स्लोप जो होगा क्या बच गया भाई v t और एक प्रेशर ही बच रहा है ना तो उसका स्लोप हमेशा प्रेशर होगा। अरे स्लोप क्या होगा प्रेशर या फिर तुम ऐसे कहो जो कॉन्स्टेंट लेते हो ना वही उसका स्लोप हो जाएगा। चार्ल्स लॉ में क्या कॉन्स्टेंट लिए थे प्रेशर है ये जो है ये स्लोप इसका क्या दिखाएगा प्रेशर दिखाएगा। वाई स्लोप में क्या क्या कांस्टेंट लिए थे टेम्परेचर। वाई स्लोप का जो तुम्हारा स्लोप होगा देखो टेम्परेचर दिखा रहा है कि नहीं यस सर। और अगला जो तुम पढ़ोगे गे लुशेक लॉ वहां पे तुम वॉल्यूम कांस्टेंट लोगे और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट लोगे तो उसका स्लोप क्या दिखाएगा वॉल्यूम ठीक है समझ में आ रहा है Yes, और ये स्लोप ही है जिसकी वजह से इसका नाम हम क्या करते हैं इसको बोल रहे हैं आइसोबार का ग्राफ है
क्योंकि क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना, प्रेशर कांस्टेंट मतलब समझे, इस लाइन के सभी पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है, पी वन है, मतलब तुम यहाँ पे भी प्रेशर पी वन, यहाँ भी पी वन, यहाँ भी पी वन, यहाँ भी हर जगह पी वन प्रेशर, ठीक है, इस पॉइंट पे हर जगह पी फोर प्रेशर है। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ ये पी वन का प्रेशर ज्यादा है कि पी फोर का प्रेशर ज्यादा है, पी वन का प्रेशर ज्यादा है कि पी फोर का ज्यादा है, तो अब देख लेते हैं किसका स्लोप का मतलब कैसे रिलेशन है। तो देखो पीवी बराबर एनआरटी होता है, yes, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी, लिख सकते हो कि नहीं, yes, sir. Yes, sir. तुम्हारा क्या हो गया y, ये हो गया x एक्सिस, और ये क्या हो गया k, नहीं हो गया स्लोप। Yes, अब देखो इस इक्वेशन तुम से तुम जब देखोगे तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल p नहीं आ रहा है, देखो तो yes, sir. k उल्टा आया ना, तो यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, yes, sir. जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, बोलो yes, कम होगा ना, yes, तो यहाँ पे क्या है स्लोप मतलब प्रेशर किसका ज्यादा है, सॉरी स्लोप किसका ज्यादा है, P1 का, P1 का स्लोप ज्यादा, कैसे आपको पता चला स्लोप ज्यादा है P1 का, अरे थीटा एंगल देखो ना, एंगल किसका ज्यादा है, P1 का एंगल, P1 का एंगल ज्यादा है, ठीक है, P1 का एंगल ज्यादा है एज कम्पेयर टू P4 के, तो इसका एंगल ज्यादा है तो स्लोप इसका ज्यादा है, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, आपको अभी देखिए ना स्लोप की इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना प्रेशर, प्रेशर कम होगा, इनवर्सली नहीं था देखो, yes, तो हम क्या कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/P कैसे आया, यहाँ पे देखो ना, वहां पे जो आप चार्ज लो के, क्या था, KT था, और यहाँ पे तुम जब आइडियल गैस का इक्वेशन लिखे तो V इज इक्वल टू ये कुछ ऐसा आया है और फिर T आया है, यस सर, तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये के ही होगा ना, देखो ये भी और ये भी इक्वेट करोगे तो आपको नहीं लग रहा है NR by P क्या है, के है, NR by P को आप के माने हो तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया P के, सर तो फिर NR की वैल्यू 1 है, नहीं नहीं प्रोपोर्शनल नंबर, देखो N सुनो इधर देखो, के बराबर क्या है NR by P है ना, यस सर, अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ प्रेशर बढ़ाएंगे तो के घटेगा कि नहीं, यस सर, प्रेशर बढ़ाओगे तो के घटेगा, यस सर, और प्रेशर घटाओगे तो के बढ़ेगा, तो जब ऐसा केस होता है ना तो इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या लिख सकते हो, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, लिख सकते हो, यस सर लिख सकते हैं, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है, आया समझ में, तो यही है ये आपका, अब बताओ के यानी कि स्लोप, अब स्लोप किसका ज्यादा है, P1 का स्लोप ज्यादा है, P1 का स्लोप ज्यादा है यानी कि P1 प्रेशर कम होगा कि नहीं, yes, sir. देखो यही ऑर्डर लिखा हुआ है, क्या ऑर्डर लिखा, P4 का सबसे ज्यादा प्रेशर है, फिर P3, फिर P2, फिर P1, P1 का प्रेशर सबसे कम है, क्यों P1 का प्रेशर सबसे कम है, क्योंकि इसका K सबसे ज्यादा है, ये स्लोप इसका कितना ज्यादा है, K मतलब क्या लिखो, इसको स्लोप, स्लोप मतलब M होता है ना, M को स्लोप बोलते हैं ना, yes, sir. Y is equal to MX, देखो ना ये ठीक है, अरे आया कि समझ में आया सबको, तो ये था बस यही था, देखो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में, बच कौन गया प्रेशर, तो इसका स्लोप किसको दिखा रहा होगा, प्रेशर को दिखा नहीं रहा होगा, प्रेशर को दिखा रहा होगा, क्योंकि स्लोप एंगल किसका सबसे कम है, एंगल सबसे कम P4 का है, तो प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, P4 का, यस सर, प्रेशर सबसे ज्यादा P4 का, ठीक है, चलो यहाँ पे आपको ये बताओ, अगर मान लो V इज इक्वल टू KT है, अगर टेम्परेचर हम घटाते घटाते जीरो कर दे तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा कि नहीं, यस सर, टेम्परेचर जीरो तो वॉल्यूम जीरो, कोई गैस ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है कि जिसका वॉल्यूम जीरो हो, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, इसलिए वॉल्यूम जीरो होगा तो मान लो कोई इंसान का वॉल्यूम जीरो हो जाता, इसका मतलब क्या होगा, इंसान गायब है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए देखो ये ग्राफ में यहाँ पर डॉट डॉट करके दिखाया गया है, क्यों डॉट डॉट दिखाया गया, क्योंकि देखो जब तुम बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम कर रहे हो तो ये क्या बता रहा है, वॉल्यूम जीरो, तो वॉल्यूम जीरो थोड़ी होगा, तो इसलिए ये एक डॉट करके दिखा दिया गया, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, अब वॉल्यूम जीरो पे गैस एग्जिस्ट नहीं करेगा,
कैसे एग्जिस्ट कर लेगा भाई, वॉल्यूम ही जीरो कर दिया तुम इंसान अच्छा सर, ये ओरिजिन से लिया इसलिए इसको डॉट डॉट, ये टेम्परेचर सुनो, टेम्परेचर लिया है ना यहाँ पे, जीरो केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है जीरो केल्विन, और इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ओरिजिन पे जीरो केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। अरे बोलो भाई, देखो यहाँ पे देख रहे हो डिग्री सेल्सियस लियो तो ये डॉट डॉट कहाँ आएगा, जहाँ पे केल्विन, अरे यहाँ पे आ गया ना -273, -273 पे क्या हुआ टेम्परेचर जीरो केल्विन होता है ना। अरे बोलो समझ में आ रहा है, जीरो केल्विन पे ये बट टेम्परेचर को केल्विन में लेना। हाँ जब भी ये ध्यान रखो, याद कर लो, रट लो कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे केमिस्ट्री में टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है। किसमें टेम्परेचर लेना है, केल्विन में, कोई भी पैरामीटर नहीं चलेगा, बस टेम्परेचर आपको केल्विन में ही रखना है, तो इसलिए केल्विन में लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे वही सब पॉइंट लिखा हुआ है, इसको एक बार चाहो तो आप पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना इसको। इसमें वही लिखा हुआ कि भाई क्या लिखा हुआ है, सिंस वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो थ्योरेटिकली क्या होगा, जीरो पॉसिबल नहीं होगा भाई, जीरो वॉल्यूम कैसे पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा ना। तो इनफैक्ट नो सब्सटेंस एग्जिस्ट, कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि जीरो केल्विन, जीरो केल्विन में तो वॉल्यूम जीरो, वॉल्यूम जीरो तो कोई सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, वही से पॉइंट लिखा हुआ है। अब आते हैं अगला। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो, कर सकते हो क्या, देखो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन आपके इसी तरह के पूछे जाएंगे, जब आप नीट के पेपर दोगे ना तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो क्या कह रहा है कि इफ टेम्परेचर ऑफ ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए गैस इज इंक्रीज, अच्छा टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है ना, तो इसको मान लो टी वन, इसको मान लिए टी टू, बोलो कोई दिक्कत। अब कह रहा है फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि ये वी टू कह रहा है पूछने के लिए, वी टू पूछ रहा है ये, और क्या पूछ रही है, ये वी वन का वैल्यू दिया, देखो वी वन का वैल्यू दे दिया है ना, yes, sir. Yes. और ये क्या लिखा है, ये बोला है कि प्रेशर को कांस्टेंट कर लो, किसको कांस्टेंट कर लो, प्रेशर। अब जैसे ही प्रेशर कांस्टेंट लिखा, आपके दिमाग में क्या आएगा, चार्ल्स लॉ आएगा कि नहीं, yes, sir. चार्ल्स लॉ का मतलब क्या था, V1 by T1 is equal to T2 by T2। यहाँ पे तुम्हारा सबका वैल्यू दे ही दिया, V1 का दे ही दिया हुआ है, तुम्हारा T1 का दे दिया है, T2 दे दिया, तो V2 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकालो। बस ध्यान ये रखना कि टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 273 ऐड करना होगा 27 में, तो क्या होगा 300 हो जाएगा ना, टेम्परेचर का वैल्यू आप क्या रखोगे 300 रखोगे, T1 का वैल्यू क्या रख दे रहे हो 300, T2 का वैल्यू तुम ऐड कर लोगे, बोलो हो जाएगा सॉल्व, ये इसको आप सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्व करना घर पे। ये क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो, देखो वॉल्यूम V1 दे दिया है ना, V1 दे दिया हुआ है, V2 दे दिया है, T1 भी दे दिया हुआ है, तो T2 नहीं निकल जाएगा, देखो ना प्रेशर, देखो प्रेशर कांस्टेंट बोला ना, प्रेशर कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ यानी कि V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2, तीन का वैल्यू दिया हुआ है, चौथा का अपने आप निकल जाएगा, सॉल्यूशन भी आप देख लेना, कौन सा टेम्परेचर पूछा है T1 या T2, जिसके बगल में जो रहेगा ना वो उसका टेम्परेचर है, देखो ना क्या लिखा भाई, सैंपल ऑफ हीलियम गैस, ए सैंपल ऑफ हीलियम हैज ए वॉल्यूम इतना एट मतलब समझे किस इस वॉल्यूम का, अरे टेम्परेचर किसके है, ये 500 का नहीं है, 500 का है ना, हाँ ठीक है। अरे तुम देखो इसमें यूनिट भी तुम कन्वर्ट मत करना, देखो इधर भी सेंटीमीटर क्यूब है, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब है, अरे कोई दिक्कत नहीं, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब रखोगे, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब रखोगे, कट जाएगा ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ऐसे नहीं बैठेंगे कि भाई सेंटीमीटर को लीटर में बदलने लगे, मीटर में बदलने लगे, कुछ भी बदलने लगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो कटना ही है, देखो ना यहाँ पे कुछ नहीं चेंज किया होगा, देखो इसका सॉल्यूशन है नीचे, सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, अच्छा नहीं दिया हुआ, ठीक है, अरे सॉल्व हो जाएगा ये, क्या हुआ मुस्कान, सॉल्व हो जाएगा मुस्कान शर्मा, यस सर हो जाएगा। चलो अब आते हैं, देखो गे लुशेक लॉ बिल्कुल जैसा तुम्हारा था चार्ल्स लॉ वैसा ही, सारे इक्वेशन बिल्कुल चार्ल्स लॉ की तरह आएगा, इक्वेशन भी वैसा ही आएगा, ग्राफ भी वैसा ही आएगा, देखो तुम भी साइंटिस्ट बन सकते थे, देखो ना पीबी बराबर एनआरटी था ना,
रमन इन आरटी था, बिट्टू यानी कि वायल साहब आते हैं वो टेम्परेचर कांस्टेंट करके चले गए। फिर इसके अंदर चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ ने प्रेशर कांस्टेंट करके चला गया। इन आर तो सब कांस्टेंट रख रहे हैं, तुम भी नहीं कह सकते थे जो तीसरा आदमी है का वो वॉल्यूम को ही कांस्टेंट वॉल्यूम किया। कांस्टेंट, वॉल्यूम वॉल्यूम तो बता के दिमाग तुम भी लगा सकते थे, लेकिन क्या कर पहले ही ये सब सारे थ्योरी आ चुके हैं ना, तो दिमाग लगाने से कुछ भी फायदा होगा नहीं। हाँ अगर आप पहले के जमाने में रहते तो गेरुसा की जगह पर आपका नाम रहता है, यस मुस्कान मुस्कान लॉ, जुबेर खान लॉ ऐसा रहता है। ठीक है सर। तो ये क्या हो गया? अच्छा ये देखो गेलुशा के लॉ में क्या होगा, अब आप बताओ इसमें क्या होगा? इसको याद वॉल्यूम रखना गुआभा, क्या कांस्टेंट, याद रखना भैया? गुआभा याद रखना, गुआभा गुआभा यानी कि यही होता है ना, GUAVA यानी कि क्या होगा? वी कांस्टेंट। क्या होगा? अरे वी क्या याद हो, कांस्टेंट, गेलुशा के लॉ में क्या या, क्या कांस्टेंट होगा? जी फॉर गेलुशा, वॉल्यूम कांस्टेंट, कांस्टेंट, और एन तो कांस्टेंट ही रहता है सब में, सभी में एन कांस्टेंट यस रहता है ना। तो आप क्या सर। लिखोगे, फिर से इक्वेशन लिखोगे पी वी बराबर एन आर टी। एनआरटी अब देखो जो जो कांस्टेंट उसको काटते चलो, यहाँ पे क्या हो गया वी कांस्टेंट है तो वी को काट दिया जाए, वी काट ये, दिया और ना, पी भी कांस्टेंट है एन और ये एन भी कांस्टेंट है आर भी कांस्टेंट, आरडी, तो क्या बचा? पी और टी बचा ना, लेकिन यस कुछ काट रहे हो तो डायरेक्ट इक्वल नहीं कर सकते हो, एक के लिखना होगा ना, तो के पी इजिकल टू के टी लिख सकते हो। सो सेम वैसा ही जैसे ओके चार्स लॉ में, देखो चार्स लॉ में भी तो यही आया था ना, वी इजिकल टू के टी आया था। चार्स लॉ में क्या था? वी इजिकल टू के टी था, और फिर वहां पे हम क्या किए थे, वी वन बाई टी वन इजिकल टू वी टू बाई टी टू। टू अपॉन सेम जीरो के सिमिलरली वन वहां वैसा ही, यहाँ पे क्या होगा? पी वन बाई टी वन बाई टी वन इक्वल टू इजिकल वी टू टू पी बाई टू बाई टी टू, टी टू, अरे यही होगा ना, यस सर। ठीक है ना। हाँ तो ये होगा देखो पी वन बाई टी वन। हाँ बोलो हैंड रेज की आपने प्रार्थना, तो अरे बोलो कोई डाउट है क्या प्रार्थना? सर अभी आपने उसमें बताया कि जो कांस्टेंट है वो काटना है, पर टेम्परेचर अभी आपने बताया कि कांस्टेंट है और पावर भी, पर कहा आपने उन्हें नहीं टेम्परेचर? अरे काटा। सुनो गे-लुशा के लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वाभा यस याद सर, करा है ना, अरे वो बिट्टू वायल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ नहीं कांस्टेंट है ना, ये देखो गे-लुशा के लॉ गुआभा, गुआभा मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट है यहाँ पे, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है ओके सर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है तो इसने वॉल्यूम काटा ना। ठीक है चलो देखो ये इक्वेशन कैसे आया, तो इसको तुम फिर से एक बार चाहो तो समझ सकते हो। देखो क्या था, पी बाई टी इजिकल टू के आया है ना, अरे देखो यही था ना, ब्लैंक लाइन पी बराबर के टी आया था आपका, पी ओके बराबर के टी, इसको आप लिख सकते हो पी बाई टी इजिकल टू के, फिर ओके इसको आप लिख सकते हो पी वन बाई टी वन इजिकल टू के, सिमिलरली पी टू, आप लिख सकते हो पी टू बाई टी टू इजिकल टू पी के, टू चूंकि ये के है ये के है, दोनों को इक्वल कर दोगे तो क्या होगा, पी वन बाई टी वन इजिकल टू पी पी टू बाई बाई वन टी पी टू, टू, हो गया इक्वेशन प्रूफ, अरे हो नहीं गया? यस सर, तो ये क्या इसका इक्वेशन हुआ, ये गे-लुशा के लॉ का इक्वेशन हुआ। ठीक है अब देखो सारे न्यूमेरिकल किसमें बनेंगे, इसी इक्वेशन पे, तो ये इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट है, पी वन बाई टी वन इजिकल टू पी टू बाई टी टू। ठीक है अच्छा यस सर, यहाँ पे क्या कांस्टेंट लिए हो, वॉल्यूम कांस्टेंट लिए हो, वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इस तरह के इसको क्या बोलोगे, जहां वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है ना उसको बोलते हैं आइसोपोर। देखो वहां प्रेशर कांस्टेंट हो रहा था, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा था तो क्या बोलते हैं आइसोबार, आइसोबार, और बॉयल्स लॉ में क्या हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट था तो आइसोथर्मल, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या बोलोगे आइसोकोर, क्या बोलोगे आइसोबार, आइसोकोर। आइसोकोर, ठीक अब बताओ ये क्या था, पी इजिकल टू के टी था ना, यस ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एम स्लोप, और ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स तो बताओ भाई ये क्या हो गया, ये पी और ये टी, एंड लिख सकते हो, देखो वाई एक्सिस की जगह पी नहीं लिख दोगे, स्लोप के हो जाएगा, वाई एक्सिस की जगह पी लिख दिए और इसकी जगह टी हो गया, यस एक्स हो गया, बोलो ठीक है, और ये जो है सर, स्लोप क्या हो गया, स्लोप के हो गया, यस स्लोप के हो वॉल्यूम, गया। अब ये के किसके बराबर होगा, तो के किसके बराबर होगा, पी वी बराबर एनआरटी से चेक कर लेते हैं के किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे क्या था, पी बराबर के टी आया है ना, और एक और तुम्हारा जब या आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, पीवी बराबर एनआरटी लिखोगे, ये लिखेंगे ना, यस सर, तुम यस चाहो तो सर, क्या लिखो,
वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को उस साइड भेजते हैं, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एन आर बाई वी इंटू टी, लिख सकते हो? Yes, तो ये पी और ये पी दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो ये के जो के है इसको के नहीं लिख सकते हो? Yes, sir. इसके इसको के लिख देंगे, इट मीन्स के क्या हो गया, के जो है आपका बराबर है एन आर बाई वी, यानी के क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वी के। अरे बोलो हो गया कि नहीं? Yes, sir. के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के, तो यही लिखा हुआ है भैया, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और स्लोप क्या है, स्लोप आपका वॉल्यूम ही बताएगा ना, स्लोप के क्या बताएगा, वॉल्यूम बताएगा कि नहीं, वॉल्यूम बताएगा ना, स्लोप आपका वॉल्यूम बताएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तीन ग्राफ है और आपको वी वन वी टू वी थ्री दे दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो ऐसे ही पूछे जाएंगे किसका वॉल्यूम ज्यादा, तो आप बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम तुम्हारा स्लोप किसका कम है, वी फोर का स्लोप थीटा कम है ना, वी फोर का थीटा कम है, इसका मतलब क्या हो गया, वी फोर का स्लोप कम है, तो स्लोप कम है तो क्या होगा, वी फोर का वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको? ओके, अरे बोलो भाई, ठीक है भाई जोर से बोलो, ओके सबको बोलो, आज शिवानी नहीं है क्लास में, एब्सेंट कर दिया उन्होंने, नहीं तो वो बोलती है बहुत जोर जोर से, देखो जो बच्चा जोर से बोलता है उस मुझे ध्यान रहता है कि ये बच्चा रेगुलर आता है, आज देखो मैं अटेंडेंस भी नहीं लिया, मुझे पता चल गया आज शिवानी एब्सेंट है, क्योंकि वो डेली क्लास अटेंड करती है और सबसे ज्यादा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उनका आंसर आते रहता है, तो भैया आप लोग भी बोलो ताकि आप लोग को भी मैं जानू अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ देखते हैं, देखो क्या था इक्वेशन तुम्हारा, क्या था इक्वेशन आपका, ये गेलुशेक लॉ को उठाते हैं, गेलुशेक का इक्वेशन क्या था, अरे बोलो, वॉल्यूम कांस्टेंट था ना, यानी कि P इज इक्वल टू के, यही था ना, P इज इक्वल टू KT, अब दोनों तरफ अगर लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग P इज इक्वल टू लॉग KT प्लस लॉग T, नहीं लिखोगे, अब इसको तुम चाहो तो इसको तुम Y मानो, इसको X मान लिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो स्लोप क्या हो गया, इसका M M जो होगा वो 1 हो गया ना, अरे Y इज इक्वल टू MX, और ये क्या हो गया, ये C मान लेंगे, अरे ये होता है ना y इक्वल टू mx प्लस c, यही होता है ना ग्राफ बनाते हैं, तो y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने log t को x मान लिया, log t को y मान लिया, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, x एक्सिस पे क्या लिख देंगे, log t लिख देंगे, x एक्सिस पे क्या लिख दिए, log t लिख दिए, और y एक्सिस पे क्या लिख दोगे, इंटरसेप्ट सी कितना है, लॉग के का है, तो यहाँ पे एक इंटरसेप्ट दे देंगे लॉग के का, क्योंकि स्लोप क्या है, वन है ना, एम क्या है, वन है, तो कुछ ऐसा लाइन आ जाएगा, ये रहा ग्राफ, बोलो भाई कोई दिक्कत सर, आपने वो गेलुशेक वाला ग्राफ कराता है एक बार, वो वाली स्लाइड दिखाना, ये ग्राफ समझ में आया आपको, यस सर आ गया, एक बार वो वाली स्लाइड, वो तो अपना स्लाइड था ना, वो तो कुछ नहीं था, देखो ये क्या था, ये तुम्हारा p इज इक्वल टू kt होता है ना, बट सर इसमें आपने m इज इक्वल टू k लिया था, मतलब वो m क्यूब पे k माना था, और इसमें आपने c लिया है k को, log k को, क्या सर इसमें आप नहीं, पी के, मतलब अच्छा अच्छा, तो गलत हो गया ना, गलत हो गया, एक सेकंड रुक, जरूर अच्छा, ये लॉग के कर रहे हो, अरे तो वो नहीं नहीं सही है, सही है भैया, स्लोप जो होगा ना, स्लोप मतलब समझते हो, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है ना उसको स्लोप बोलते हैं, तो प्लस है ना लॉग के, एक्स के आगे क्या है, एक्स के ठीक मतलब एक्स में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, एम मल्टीप्लाई हुआ है ना, और एम का वैल्यू देखो ना वन नहीं है, जो मल्टीप्लाई होता है ना उसको स्लोप लेते हैं, तो यहाँ पे m जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x के साथ देखो k मल्टीप्लाई है ना, देखो ना
वाई इज इक्वल टू कहाँ गया भैया, पी इज इक्वल टू के टी है ना, तो इसको हम क्या माने, इसको वाई माने, इसको एक्स माने। देखो एक्स में क्या, इस बार वन मल्टीप्लाई है क्या, नहीं एक्स में के मल्टीप्लाई है ना। यस सर। यहाँ पे सी का वैल्यू जीरो है, प्लस सी जो लिखते हैं ना, ये सी का वैल्यू जीरो है, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। वहां पे सी का कुछ वैल्यू है, क्या सी का वैल्यू है, लॉग के वैल्यू है, तो वो आपको काटना होगा। यहाँ पे सी का वैल्यू जीरो है तो ओरिजिन से स्टार्ट कर दो फिर, ठीक है। m का वैल्यू बना है, इसलिए जो वो ग्राफ है वो ओरिजिन से नहीं, थोड़ा ऊपर से बना है। नहीं, m के वजह से नहीं आया, ये c की वजह से। रुको हम थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। देखो इधर देखना, y is equal to, अब बायो का स्टूडेंट हो ना इसलिए दिक्कत हो रहा है, y is equal to mx plus c। अब आपसे पूछे कि बताओ x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, y बराबर c होगा कि नहीं? यस सर। ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। x का वैल्यू क्या बोला है, जब जीरो रखोगे तो y का वैल्यू c होगा, ये जीरो है, ये तुम्हारा c, तो x का वैल्यू जीरो है तो बताओ y का वैल्यू c हो गया। बोलो यहाँ पे कट कट होगा कि नहीं? यस सर हो गया। और अगर मान लो x का वैल्यू अगर वन रखोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, m प्लस c होगा, यानी कुछ बढ़ेगा, तो कुछ बढ़ेगा तो ये यहाँ आएगा कुछ पॉइंट, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, इसको सारे डॉट मिलाओगे तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, आया समझ में? और ये सी क्या है, ये सी है ये जो कट रहा है, और इसी सी का वैल्यू वहां पे क्या था, लॉग के था, क्या था, लॉग के, तो इसलिए इसी के जगह पे हम क्या लिख दिए थे, ऊपर लॉग के लिख, लॉग के, देखो ना यहाँ पे लॉग के लिख दिए, ठीक है, आया समझ में? यस सर ओके आया, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो बन जाएगा यार तुमसे, बन जाएगा, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्या दे हुआ है, देखो टेम्परेचर टी वन, T1 टेम्परेचर दिया हुआ है, T2 टेम्परेचर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस, अच्छा और कुछ नहीं, द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन गैस ऑफ ए सॉट, द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ ए गैस वाज इंक्रीज्ड, द T1 T2 का वैल्यू दिया है। वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल रहा है कांस्टेंट, ऐसे वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कौन सा लॉ, प्रेशर, ये प्रेशर पूछ रहा है, तो भाई प्रेशर पूछ रहा है तो देखो P1, वही इक्वेशन क्या लिखोगे, P1 by T1 by T2 तुम्हारा टेम्परेचर दिया है, याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे, ये डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस नहीं चलेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना, केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 273 से ऐड करते हैं, 273 ऐड करोगे तो क्या होगा, ये 300 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे 273, तो इसका इसका जगह पे तुम क्या लिख दोगे, 300 रख दोगे, इसके जगह पे क्या लिख दोगे, 310, पी वन के जगह पे तुम क्या रख दो, पी वन के जगह पी रखो, पी टू के जगह पे पी रख दो, फिर देखो ये तुम्हारा किसका आ गया। कल स्कूल भेजोगी? हाँ भेजेंगे स्कूल। हाँ हाँ स्कूल भेजेंगे, कितना ठीक है, कल स्कूल भेज दिया जाएगा। इधर देखते हैं P1 by T1 is equal to, अरे P2 by T2 था ना, तो भैया देखो तुम्हारा P2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नहीं P1 का वैल्यू P माना गया, क्वेश्चन में दिया है ना, the temperature of certain mass of a gas was increased from इतना से इतना, what will be the pressure of the gas, ये final pressure पूछ रहा है, तो P2 का वैल्यू ये पूछ रहा है, इसको P1 मानो, आंसर क्या होगा, 31/30 P हो जाएगा, अरे नहीं सॉल्व हो जाएगा, देखो ये दोनों का वैल्यू दे दिया है, ये दोनों का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, इसका और इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, P2 आपका पूछ रहा है, इसको P मान लिए हम, तो नहीं हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कटा, क्या हो जाएगा, 31/30 और ये एज इट इज P बन गया, हो जाएगा, अरे आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन, तो प्रार्थना मम्मी कल स्कूल भेज रही आपको, प्रार्थना यस सर, मम्मी स्कूल भेज रही है कल आपको, हाँ हाँ ये हाँ क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ मम्मी स्कूल भेज रही है आपको, क्या सर वॉइस चली गई क्या, नहीं वॉइस आई थी क्या बच्चों, ओ सर नो सर, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आज बारिश था ना तो स्कूल बंद था ना बच्चों का,
ऐसे पूछा। तो कल मम्मी स्कूल भेज रही है? सर यहाँ पे एक तो क्या, कल तो जाना पड़ेगा, कल तो जाना पड़ेगा। आप पवन, आप क्या पूछ रहे हो? पवन प्रतिभा क्या पूछ रहे हो? सर एक गली में लड़की है, वो छोटी क्लास में, गवर्नमेंट में, उसके तो बंद है कल। तो एमसीडी, एमसीडी के बंद है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए बंद कर दिया है। सर फिफ्थ तक बंद है, बड़ी क्लासों को जाना है। तो बड़ी क्लासों को जाना है, कोई नहीं। आज हम सबकी छुट्टी थी। हाँ सबका छुट्टी था, सबका छुट्टी था, तभी तो देख रहे हो यस सर चला गया छुट्टी मनाने। कभी तो बच्चे तो हम भी, हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए। हाँ अच्छा तुम भी बच्चे हो, अब बच्चे नहीं रहे भाई, अब 11th क्लास में आ गए। तुमको देख रहे हो कितना काम करना पड़ता है भाई, होमवर्क सर ऐसा थोड़ा होता है, ऐसे ही होता है। क्लास 11th में आते ही बचपन खत्म, भूल जाओ सर। ऐसे ही 9th में बोला था सर टीचर ने, फिर 10th में बोला था, अभी 11th में आप बोल रहे हो। ये 11th में सुनो, ये बताओ यहाँ पे देखे केमिकल बॉन्डिंग कितना दिन चला था सर, ऐसा थोड़ा होता है, ग्रेड के हिसाब से टॉपिक चेंज होते हैं। हाँ टॉपिक चेंज होते हैं, ठीक है भाई, हमें बहुत पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। तुम देखो ना कितना तुम्हारे ऊपर प्रेशर है अभी, एक तो तुम स्कूल जाते हो, तो है ही। स्कूल से गए तो तुम्हारा लाइफ मैं बता दे रहा हूँ, लाइफ स्टाइल क्या होगा। सुबह उठो स्कूल जाओ, दो कितने बजे, 2 बजे आते हो ना? यस सर। अरे आओ फिर खाना वाना खाओ, थोड़ा रेस्ट किए, देखे अरे यार 6:30 हो गया, बस अवंती की क्लास अब स्टार्ट करो, पढ़ो। सर ऐसा नहीं होता कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता सर। 2:30-3 बजे तक तो घर आते हैं, उसके बाद फिर कोचिंग होती है। अच्छा कोचिंग भी जाते हो आप? खाना खा के फिर कोचिंग जाते हैं 4-5 बजे तक। तुम्हारे पास टाइम क्या बचता होगा? सर बिल्कुल भी नहीं बचता, फिर आते आते 6:30-6 बजे फिर ये वाली अवंती क्लास हो जाती है। बोल रहे हैं यार अब कब कहां गया सर, सेल्फ स्टडी का भी टाइम नहीं मिलता, फिर स्कूल के प्रोजेक्ट करने में टाइम कैसे चल जाता। अभी तो बोल रहे हैं भैया बचपन गया, अब जो बोले ना बच्चे हैं, अब नहीं रहना बचपन रहता तो पेरेंट्स के लिए और टीचर के लिए तो बच्चे ही हैं। चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, 2 साल की मेहनत है भाई, 2 साल अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर नीट में सिलेक्शन होगा, फिर एंजॉय करना। बस देखे थे ना ये लास्ट क्लास में मैंने वीडियो दिखाया था ना आपको? नो सर। यस सर। क्या था लास्ट में दिखाया था ये कैसे, मतलब बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। सर आप क्या बोल रहे थे कि आपकी लास्ट क्लास है वाली? हाँ आज लास्ट, मतलब इसके बाद जैसे मुझे कोई क्लास नहीं लेनी है, मतलब फिर कल क्लास लेनी है। अच्छा, जैसे क्या होता था ना, आपके बाद जस्ट बाद मेरा एक और क्लास रहता था, एक और क्लास रहता था। यस सर, यस 12th की। अब वो 12th का ना कल 7 बजे से लेना है। अच्छा ओके सर। तो अब ऐसा हो गया ना कि सबका फिक्स हो गया टाइम, 11th का भी 12th का सेम ही टाइम है सबका। तो सर कल हमारी होगी क्लास? हाँ कल क्लास होगी आपकी। कितने बजे सर? वो बता देंगे आप क्लास के बाद, मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एवोगैड्रो लॉ अब पढ़ेंगे हम, एवोगैड्रो लॉ। तो देखो इसको तुम ऐसे ध्यान रखना, वो तीनों लॉ एकदम अलग था, एवोगैड्रो लॉ बिल्कुल अलग था। ये क्या कहता है? तो देखो ये नाम क्या है, अंग्रेज वाला नाम है कि नहीं? एवोगैड्रो नाम है, एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो में ये ध्यान रखना, ये अंग्रेज टाइप का नाम है। अंग्रेज क्या करते थे यार, मतलब आपके मजबूर किसानों को क्या करते थे भाई, बिना बात के मतलब कोड़े से मारना, अरे पीटते वगैरह थे कि नहीं? यस सर। तो ये याद रखना, एवोगैड्रो में क्या कांस्टेंट होगा? पीटी। पीटी क्या रहना? टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। क्या रखोगे? प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे। एवोगैड्रो में क्या रखोगे? प्रेशर और टेम्परेचर। देखो वहां पे क्या रखते थे, हमेशा दो चीज कांस्टेंट रखते थे। बायस लॉ में क्या था? बिट्टू, टेम्परेचर कांस्टेंट और मोल कांस्टेंट। फिर अगला आया था तुम्हारा, क्या आया था बायस लॉ में? चार्ल्स लॉ, यानी कि उसमें सीपी प्रेशर कांस्टेंट और दूसरा मोल कांस्टेंट था। अरे देखो मोल मतलब समझे, पीपी बराबर एनआरटी होता है ना, तो एन तो सब में कांस्टेंट रहते थे ना, एन सब में कांस्टेंट रहते। फिर तुम्हारा आया था गे लुशेक लॉ, ग्वाभा, यानी कि ये क्या हो गया, पिटाई से याद कर लो या पीरियडिक्टेबल से याद कर लो, अंग्रेजी पीरियडिक्टेबल दिए थे हम थोड़ी दिए। तो क्या हो गया, एवोगैड्रो लॉ में
पीटी यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो देखो ये लॉ कहता क्या है, ये बोलता है कि यदि प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दोगे ना तो जो वॉल्यूम, देखो यहां पे चलो ना काटते हैं, देखो काट के तुम देख लो, बताओ प्रेशर कॉन्स्टेंट तो काट सकते हैं, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो काट सकते हैं, आर तो कट गया ही, डी बराबर एन आ रहा है कि नहीं, आ गया ना। तो हम एक बोल सकते हैं ना कि यार जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो मोल का रेशियो हो जाएगा, yes. जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, वही मोल का रेशियो हो जाएगा। मतलब yes, अगर इसको ऐसे समझना है आसान भाषा में, तुम इसको ऐसे समझना, अगर मान लो ये बर्तन है, इसमें नहीं हटेगा क्या, दूसरा लेते हैं बड़ा, ये जो है आपका बर्तन नंबर वन, बर्तन नंबर टू, इसका अगर मान लो वॉल्यूम है 100 ml और इसका भी वॉल्यूम क्या है 100 ml, सपोज करो इसमें मॉलिक्यूल या मोल की संख्या है x और इसमें भी मॉलिक्यूल या मोल की संख्या है x। अब क्या किए, अगर इसका जो 100 ml है ना इसके जगह पे अगर सपोज करो ये 100 ना रखे क्या रहता, 25 ml रहता, और ये 100 की जगह पे क्या रहता 25 ml रहता, तो मोल का क्या रेशियो होगा, कितना से डिवाइड किया, 4 से 4 से yes, तो इसको yes, भी मोल का रेशियो क्या करना, डिवाइड करेंगे 4 से। अगर मान लो इसको दो, इसमें इसके जगह पे क्या रहता 200 के, यहाँ पे 200 रहता, यहाँ पे भी 200 रहता, तो वैल्यू क्या रहता 2x आता ना, yes, होता यस। तो यही एवोगैड्रो लॉ रहा, ये क्या रहा एवोगैड्रो लॉ, क्या कहता है आप स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट क्या है तो पढ़, फॉर सिमिलर वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, हमने बोला ना कि प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा एवोगैड्रो में, पीरियोडिक टेबल ठीक है या पीटी पीटी, तो क्या होगा, फॉर सिमिलर वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैस विल ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम, मतलब अलग अलग गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल, मतलब जैसे ये जरूरी नहीं है कि ये अगर हाइड्रोजन का गैस है, मान लो ये हाइड्रोजन का गैस है और ये O2 का भी गैस रह सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों को हाइड्रोजन ही लेना है, समझ रहे हो, मतलब कह रहा है कि भैया इक्वल, अगर देखो यहाँ पे वॉल्यूम का जो रेशियो है ना इक्वल है तो मोल का भी रेशियो इक्वल ही होगा, क्यों इक्वल होगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो ना कि भैया पी बी बराबर एन आर टी, ये तो सब में कट ही गया है ना, इधर तो कट ही गया है ना, तो वी और एन में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, रिलेशन है। तो अगर मान लो वॉल्यूम किसी का एक्स है और उसका मोल एक्स, वॉल्यूम अगर मान लो किसी का एक्स है, किसी एक गैस का वॉल्यूम एक्स है और मोल वाई है, तो दूसरे गैस का भी अगर मान लो उतना ही वॉल्यूम लोगे तो उसमें भी मॉलिक्यूल सेम नहीं रहेगा, ये पॉइंट हम देखो पहले भी बहुत पहले पढ़ चुके हैं मोल का से चैप्टर में, वहां पे एक इक्वेशन के थ्रू देखे थे, याद करो ये इक्वेशन हमने पढ़ा था, मोल निकालने का क्या तरीका था, गिवन जो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 एट एसटीपी, तो हम क्या बोलते थे कि एक मोल में, अगर मान लो एक मोल में एक मोल है, अगर वॉल्यूम का, अगर मोल का वैल्यू 1 हो गया तो एक मोल में अगर कोई वॉल्यूम पूछता था तो हम बोलते थे वॉल्यूम कितना देगा 22.4 लीटर, देखो ना ये इसका वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो वॉल्यूम बराबर 22.4 नहीं हो जाएगा, yes, yes, yes. एक है तो वॉल्यूम 22.4, अब तुम देखो मोल अगर दोगुना किए, दो मोल किए तो बताओ वॉल्यूम दोगुना नहीं हो जाएगा, टू टाइम्स होगा ना, तो यही एवोगैड्रो लॉ में बताया जा रहा है कि क्या, कि देखिए पीरियोडिक टेबल यानी कि पीटी, पीटी कॉन्स्टेंट रहेगा ना तो जो वॉल्यूम का अगर रेशियो होगा वही मोल का, अगर मान लो यहाँ पे मोल क्या रह जाए हाफ मोल हो जाएगा तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, अरे 22.4 डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर दोगे, हो जाएगा ना, तो पढ़ लो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लो क्या कह रहा है, फॉर सिमिलर वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैस विल ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम, मतलब मॉलिक्यूल और वॉल्यूम
क्या करेगा, अरे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेगा इक्वल वॉल्यूम, मतलब सेम मॉलिक्यूल सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, सेम मॉलिक्यूल सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, तो जो इसका प्रेशर और टेम्परेचर है वो रेशियो में इक्वल आएंगे क्या? नहीं, वो टेम्परेचर प्रेशर तो कॉन्स्टेंट कर लिए ना भाई, वो तो कट गया ना, देखो ना टेम्परेचर प्रेशर कट गया, वो कॉन्स्टेंट है, उसको काट दो टेम्परेचर प्रेशर को, क्या करो कट कर दो, ठीक है। ओके सर, ओके चलो इधर देखते हैं। तो सर मतलब पर मतलब ऐसे कैसे सीखी हो, सामने तो ये पढ़ा था ना कि किसी का 16 ग्राम होता है किसी का 18 ग्राम होता है, बट इसमें इक्वल कैसे आ जाएगा वॉल्यूम? वॉल्यूम कर रहा है ना, अरे कैसे वॉल्यूम इक्वल आया, ये फॉर्मूला तुम पढ़े थे कि नहीं? यस सर, एवोगैड्रोस फॉर्मूला पढ़ा था। वॉल इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम बाई 22.4 पढ़े थे कि नहीं? यस सर पढ़े थे। एक मोल में वॉल्यूम 22.4 है तो दो मोल में 2 × यस सर। ये बताओ केवल ऑक्सीजन के लिए वैलिड है क्या? ये सभी गैस के लिए वैलिड है कि नहीं? यस सर सबके लिए है, सबके लिए है ना वैलिड। तो अब यस सर, तो अब तुम कहो कि ऑक्सीजन का तो मास ज्यादा होता है, तो मास हम थोड़ी ले रहे हैं यार, मोल की बात कर रहे हैं, मोल में तो मास का मतलब ही नहीं होता है, मोल में क्या होता है गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास तो कट जाता है ना, ठीक है। अच्छा ये मोल इक्वल है तो बता मॉलिक्यूल भी इक्वल होगा कि नहीं? क्यों, मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो, मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो, मोल से मॉलिक्यूल निकालने के, अरे Na से मल्टीप्लाई कर, मोल में Na से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलो अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, हो गया ये आपका। देखो अब जितने भी इक्वेशन थे ना, अब हम सबको कंबाइन करते हैं, देखो इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, क्या था पीवी बराबर एनआरटी था ना? yes, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं पीवी बाई आरटी इज इक्वल टू एन, लिख सकते हो? या फिर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एनटी आर, ये भी लिख सकते हैं, अरे पीवी बाई एनटी इक्वल टू आर, मतलब आर कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है तो हम ये लिखते हैं PV by NT, इसको 1 लिखो, इसको 1 लिखो, इसको 1 लिखो, is equal to R कौन सा कांस्टेंट होता है? वो गैस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है ना 0.0821, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, R का वैल्यू फिक्स होता है, अभी हम जस्ट थोड़ी देर में दिखाते हैं, R का वैल्यू होता है ना ये रहता है, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था ना R का जो वैल्यू, लर्न करनी पड़ेगी, हाँ ये लर्न करनी पड़ेगी, अरे कितना है यार आसान तो है 0. ये लास्ट क्लास में हमने ये प्रूफ भी किया था कैसे 0.08 आ रहा है, तो आर का जो वैल्यू होता है 0.08 आएगा कब, जब आप लोगे लीटर में, जब लीटर एटीएम पर मोल में लोगे ना तो आर का वैल्यू होगा 0.08, कैलोरी में जब तुम लोगे तो आर का वैल्यू हो जाएगा 2, और अगर जूल जूल में लोगे तो क्या होगा आर का वैल्यू 8.31, ठीक है। अरे बोलो तो मोस्टली तो लीटर्स में ही लेते हैं ना, क्या मोस्टली तो लीटर्स में ही लेते हैं, इस चैप्टर में हम लीटर में लेंगे, मतलब इस चैप्टर में ये वाला लेंगे, क्योंकि एटीएम जो है ना इसकी वजह से लेंगे, थर्मोडायनेमिक में हम इसको लेंगे हीट वाले में, क्योंकि हीट का यूनिट क्या होता है जूल होता है ना, थर्मोडायनेमिक इन दोनों को लेंगे, इस चैप्टर में 0.08 ले रहे हैं, ठीक है। अरे बोलो तो चलो ये आर हो गया, अब बताओ इसको आर तो सबका फिक्स ही ना था, आर तो कॉन्स्टेंट ही होता है, R constant होता है ना? Yes, P1 V1 इसको हम नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हो P1 V1 divided by N1 T1 is equal to क्या होगा P2 V2 divided by N2 T2। अरे बोलो, अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आप न्यू ज्वाइन किए हो कोमल, तो बोलना चाहिए था ना, हम ये गैसीय स्टेट पर हैं, ठीक है कमल, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको इसकी, ये आज दूसरा लेक्चर है, ठीक है, मैं ये दोनों लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आपको बोला चाहिए था उस समय से, आपने कुछ बोला ही नहीं। न्यू ज्वाइन कैसे, आप न्यू कैसे ज्वाइन किए हो? सर मैडम ने लिंक भेजी थी। अच्छा लिंक भेजे हो,
अवंती मैं पहली बार क्लास नहीं ले रहे हो, यस सर। आपको बोलना चाहिए था ना। तो सबसे पहले आपको बहुत आपको क्या आपका स्वागत है अवंती के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको मैं मतलब मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, कोडिंग नहीं बताया सर। ये तो पार्शियलिटी हमारी, तो किसी ने स्वागत नहीं करा ऐसा। यस सर। सर ये पार्शियलिटी है, हमारा तो स्वागत किसी ने नहीं करा ऐसा। क्या खुशी बोल रहे हो, आपका आवाज ही नहीं है। सर ऐसा स्वागत हमारा तो किसी ने नहीं करा, ये तो पार्शियलिटी है। क्या इतनी खुशी ने क्या बोला, मेरे को सुनाई नहीं दिया। सर हमारा किसी ने स्वागत नहीं किया। यार मुझे नहीं सुनाई दे रहा अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैट में लिख देना, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। सर ऐसा हमारे स्वागत, अच्छा आपका स्वागत नहीं किया था। अरे आपका स्वागत किया गया था भाई, किया गया था। ओरिएंटेशन याद करो, तुम लोग का प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ था, ठीक है। अरे भैया तुम्हारा तो ओरिएंटेशन हुआ था, इनको तो मैं बस ऐसे ही बोल दिया कि चलो यार ये भी बुरा मत माने, क्योंकि मुझे उम्मीद है मतलब इनको आज बहुत प्रॉब्लम होगा समझने में, क्योंकि ये सेकंड लेक्चर पढ़ रही है ना, इसलिए। तो सर चलो तो देखो, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए दोबारा से फर्स्ट सेकंड चैप्टर समझाओगे? नहीं नहीं, मैं ही इसकी ये चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो चैप्टर भी आप ये कर सकते हो ना, रिकॉर्डिंग देख लो, डाउट हो तो आप कॉल से पूछ लो, मैसेज से पूछ लो, ठीक है। अरे चलो यार टाइम नहीं है अभी, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत बातचीत हो गई, क्लास के बाद रुकना, बहुत बात करेंगे क्योंकि इसके बाद मेरा कोई क्लास नहीं है, तो रुकना बात करना होगा। चलो देखो ये P1 V1। अच्छा ये बताओ, एक बर्तन तुम्हारा क्लोज रहेगा, एक बर्तन आपका क्लोज है तो ऑब्वियस ही बात है उसका मोल तो बाहर भागेगा नहीं, बंद है तो मोल निकल सकता है क्या, गैस तो निकलेगा नहीं, तो एन तो सेम रहेगा, तो एन सेम रहेगा तो हम चाहे तो N1 और N2 को काट सकते हैं। यस सर। तो इक्वेशन क्या आएगा आपका, इक्वेशन देखो ये वाला इक्वेशन आएगा, और इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट। अरे बोलो, ये नहीं बोल सकते हो P1 V1 क्यों काट दिया, क्या एन क्यों काट दिया, इसलिए काट दिया क्योंकि दोनों N1 बराबर N2 ही रहेगा, क्योंकि एक जब भी हम रिएक्शन कराएंगे ना तो बर्तन आपका क्लोज रहेगा, एक मान लो N हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी रिएक्शन में, जितना N स्टार्टिंग में रहेगा उतना ही N बाद में रहेगा, रिएक्शन के स्टार्ट में जो N रहेगा वही रिएक्शन के प्रोडक्ट बनने पे भी रहेगा, ठीक है। अरे बोलो तो N1 N2 के बराबर इसलिए काट दिया, अगर बराबर नहीं रहते तो नहीं काटते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ये आइडियल गैस इक्वेशन, ये हम तो लास्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी ही होता है ना, कोई भी गैस आइडियल नहीं है, सारे गैस रियल है, सारे गैस क्या है, रियल गैस है। परफेक्टली आइडियल कोई नहीं, सारे इंसान परफेक्टली आइडियल नहीं है तो गैस कैसे परफेक्टली आइडियल, तो आइडियल गैस कोई नहीं है, सारे गैस रियल है, ठीक है। तो रियल गैस का भी इक्वेशन होता है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, मतलब ये चैप्टर इस वीक में ओवर हो जाना चाहिए। यस ओवर हो जाएगा इस वीक में आपका। सर अभी चैप्टर बहुत ज्यादा बाकी है क्या? नहीं नहीं, दो मैक्सिमम आपका 3 लेक्चर, मिनिमम 2 लेक्चर, मैक्सिमम 3 मिनिमम 2। ओके बहुत छोटा चैप्टर है यार, हम लोग आज की क्लास एंड होगा तो लगभग समझो 50% कवर करने के रहेंगे इस चैप्टर के सिलेबस। ओके सर। तो चलो इधर देखते हैं। ओके ओके, अच्छा ये आइडियल गैस इक्वेशन है, कोई भी गैस आइडियल नहीं होगा, आइडियल बनाने के लिए याद करो हमने पढ़ा था LPHT, आइडियल कब बनेगा, जब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हो हाई टेम्परेचर, तो यही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा तो गैस जो होगा आइडियली बिहेव करने लगेगा, ठीक है। चलो तो ये पीवी बराबर एनटी, ये सब ये पीवी बराबर एनआरटी, बस इसी इक्वेशन को तुम ध्यान रखो, आगे बढ़ो, ये हमने पढ़ ही लिया आर का वैल्यू। अब आते हैं, ये देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सर जो एलपीएसटी है वो रियल गैस बनाने का है कि आइडियल गैस, क्या वो एलपीएसटी आइडियल बनाने का है, रियल तो अरे सारे गैस तो रियल ही है, रियल को क्या रियल बनाओगे, क्या तुम रिंकी हो, रिंकी को फिर से रिंकी बना दे क्या, नहीं बना सकते ना, रिंकी तो खुद रिंकी है, रिंकू को क्या बना सकते हैं, उसको क्लास का मॉनिटर बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, टीआई। हाँ तुम लोगों को क्लास में मुर्गा ही बनाया जाता होगा ना,
बनाए जाते होंगे बॉयज को। यस सर। सर अब तो बड़े हो गए ना बच्चे, अब थोड़ा बनाते हैं। बड़े हो गए अभी तो, तुम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि अभी तुम बच्चे ही हैं। यस सर। मतलब ये तो हद हुआ भाई, एक ही क्लास में, क्लास के स्टैंड में तुम बोल रहे सर हम तो बच्चे हैं। अरे सर मैं बोलना चाह रही हूँ कि मुर्गे तो बच्चों को बनाते हैं, अब तो ताने पड़ते हैं ना, वही काफी होते हैं। अरे तो अभी तो तुम बोल रहे थे कि बच्चे तुम बच्चे हो। यस सर बोल तो रहे थे। तो फिर तुम अपनी बातों में अपने ये हो गए ना। यस सर। चलो इधर देखो, ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो बी वन का वैल्यू दिया हुआ है, पी वन का वैल्यू दिया हुआ है, टी वन का वैल्यू दिया हुआ है, वी टू का वैल्यू पूछ रहा है, पी टू का वैल्यू दिया है, टी टू का वैल्यू दिया है, बताओ सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन है ना, क्या है? पी वन वी वन अपॉन टी टू डिवाइडेड टी टू सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Yes, सर, हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि कभी भी टेम्परेचर सेल्सियस से मत लेना, जो भी सेल्सियस में 273 ऐड करके पुट करना, ठीक है? ओके हो जाएगा सर। बोलो किसी, बोलो क्या है, आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या? ओ सर नो सर मैंने नहीं किया। चलो ये देखो, नहीं दो खुशी है और खुशी है इसमें। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझ लो, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक ये डब्बा बंद है, एक दूसरा डब्बा बंद है। इसमें देखो वॉल्यूम कितना है 10 लीटर और प्रेशर कितना है 6 atm। वॉल्यूम 10 लीटर, प्रेशर 6 atm। इसका वॉल्यूम क्या है 5 लीटर और प्रेशर क्या है 9 atm। ये क्वेश्चन ना तुम कल ये ट्राई करना घर पे, इसको कल एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप ट्राई करना क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन को पढ़ना है। अगर क्लास के बाद टाइम बच जाएगा तो मैं इसको कर दूंगा, नहीं तो इसको आप घर पे इसको ट्राई करना है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं, नहीं तो बाकी वैसे पीछे हो जाएंगे। ये देखना, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा इससे सॉल्व हो जाएगा। देखो पी वन का वैल्यू दिया हुआ है, पी टू का वैल्यू पूछ रहा है, वी वन का दिया हुआ है, वी टू का दिया हुआ है, टी वन का दिया हुआ है, टी टू का दिया हुआ है, इक्वेशन यही है, सॉल्व हो जाएगा ना, सबका वैल्यू दिया हुआ है। अरे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, नहीं नहीं डेरिवेशन नहीं पूछेगा, डेरिवेशन की चिंता मत करो, बस न्यूमेरिकल। चलो इधर देखो, ये क्वेश्चन भी तुमसे सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी पूछ रहा है, पीवी बराबर एनआरटी नहीं लगा दोगे? तो कितने आसान आसान क्वेश्चन है यार, आसान आसान नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करना है। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अब फॉर्मूला। अब चलो आते हैं डेंसिटी पे। हाँ ये ज्योति, ये आप ये घर से करना होमवर्क है, ठीक है? अब देखो डेंसिटी निकालते हैं, कैसे निकलेगा डेंसिटी? देखो पीवी बराबर क्या था, एनआरटी। एन को क्या लिख सकते हो, मास बट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। यस सर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको तुम चाहो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको लिख सकते हो पी, ये एम ऊपर चला गया, ये आर टी नीचे आ गया, और ये क्या बचेगा, मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो बचेगा कि नहीं ये? और ये मास बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं क्या? डेंसिटी। यस सर। डी लिख दोगे डेंसिटी? यस सर। यस सर। तो डेंसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पीएम बाय आरटी। तो ये आप इक्वेशन याद रखना, डेंसिटी क्या होता है, पीएम बाय आरटी होता है। क्या होता है, पीएम बाय आरटी। अब तुम इसको कैसे याद करोगे, तो तुम चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ये देखो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को कौन चुनते हो, तुम लोग चुनते हो ना, ठीक है? तो ऊपर तुम प्राइम मिनिस्टर रखना और तुम लोग नीचे, तुम लोग प्राइम मिनिस्टर को ऊपर तक पहुंचाते हो। कैसे बजाते हो, अपना राइट टू वोट, राइट टू वोट अप्लाई करके अंगूठा लगाते हो, ठीक है? अरे राइट टू वोट आरटी मतलब राइट टू वोट, आप राइट टू वोट अप्लाई करके प्राइम मिनिस्टर को ऊपर तक पहुंचाते हो। तो क्या हो गया, डेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर डिवाइडेड बाई आरटी, राइट टू वोट। वेयर एम क्या है, एम आपका क्या है, मोलर मॉलिक्यूलर वेट,
अरे एम मॉलिक्यूलर वेट है प्राइम मिनिस्टर भाई साहब, एग्जाम में लिख के आ जाना वेयर एम इज प्राइम मिनिस्टर। अरे वो तो समझाने के लिए बोले ना, एम क्या है मॉलिक्यूलर वेट, पी क्या है प्रेशर है, आर क्या है गैस कॉन्सेंट्रेट, टी क्या है टेम्परेचर है, जो ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया डेंसिटी का इक्वेशन, लो ये रहा इक्वेशन ठीक है। अरे ये एम ऊपर चला जाएगा ना, यस सर, ये इक्वेशन लगा, तो ये डेंसिटी का रहा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है। अब देखो यहाँ पे वेपर डेंसिटी, ये वेपर डेंसिटी तुम याद करो मोल कांसेप्ट में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है वेपर डेंसिटी से तुम पढ़ो, याद है किसी को मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला? 2 into वेपर डेंसिटी। हाँ 2 into वेपर डेंसिटी होता है ना, yes, ये इक्वेशन वहां पे हमने रट लिया था। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 2 into वेपर डेंसिटी, इसका डेरिवेशन यहाँ पे देख लो, बहुत आसान है। देखो वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी समझना, वेपर डेंसिटी जो होता है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन की डेंसिटी। मतलब जिस गैस का डेंसिटी निकालना है उसको ऊपर रखना और फिर हाइड्रोजन के डेंसिटी से डिवाइड कर देना। वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे, जिस गैस का डेंसिटी निकालना है उसको ऊपर रखना और डिवाइड किससे कर देना, हाइड्रोजन के डेंसिटी से। बोलो हो जाएगा, yes, हो जाएगा, तो चलो हो जाएगा, तो अभी हम करते हैं। देखो अगर मान लो एक गैस है, क्या भैया कोई गैस है, इसका हमको वेपर डेंसिटी निकालना है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ H2, यही होगा ना, yes, sir. Density of gas divided by density of H2. अभी density का तुम formula क्या पढ़े हो? Prime minister by RT, RT. Divided by prime minister by RT. ये किसका था? Hydrogen का था, और ये क्या था? Gas का था? Yes, sir. RT किसी का रहा है? ये तो R तो तुम्हारा constant ही है, yes, sir. ठीक है, और देखो ये T से T नहीं कट जाएगा, अरे R T R T कट जाएगा कि नहीं, P और P कट जाएगा कि नहीं, बताओ भाई क्या बचेगा, ऊपर एम जी और नीचे एम हाइड्रोजन बचेगा ना, पर मास से मास नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, क्योंकि ये देखो भैया हाइड्रोजन का मॉल, ये मास किसका मास है, मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 होता है, ऑक्सीजन का क्या होगा, O2 का 16 दुना 32 हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट है ना, एम क्या है मॉलिक्यूलर वेट, तो ऊपर क्या लिखोगे, एम जी की जगह पे लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, यस, तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस या फिर कोई भी किसी का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 2 into वेपर डेंसिटी, प्रूफ हो गया कि नहीं, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2 गुना वेपर डेंसिटी, प्रूफ हो गया, हाँ कोमल, ये नए वाले एनसीईआरटी में नहीं है, पुराने वाले एनसीईआरटी में है ठीक है, और आपके नीट में पढ़ना है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, बाकी आप क्लास के बाद रुकना, मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। चलो ये समझ में आया, तो ये हो गया वेपर डेंसिटी की कहानी, जो इक्वेशन आप रटे थे वहां पे, यहाँ पे आसानी से आप डिराइव कर लिए, कुछ नहीं था। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, जल्दी से इसको निपटाते हैं और खत्म करते हैं क्लास। देखो डाल्टन लॉ क्या कहता है, तो डाल्टन लॉ बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। देखो क्या कहता है, ये बोलता है कि भैया अगर एक एक बर्तन में 2 या 2 से ज्यादा गैस रखो, समझ लेना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान, और ये क्लास 12 में पढ़ना है, क्लास 12 में सॉल्यूशन में एज इट इज पढ़ना है, सेम पढ़ना है डिटो, तो इसलिए आप ध्यान से सुनना, नहीं तो क्लास 12 में बहुत दिक्कत होगा। डाल्टन लॉ पूरी तरह से क्लास 12 में पढ़ना है। देखो क्या है, एक बर्तन है, ध्यान देना, किसी को नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे बच जाओगे क्लास 12 में फिर नहीं बचोगे। एक बर्तन है, अटेंडेंस ये आप ही भेज दो, कोमल आप ही भेज दो इसकी शॉर्ट करके, या फिर सारे बच्चे अपना मैसेज भी कर देंगे, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। देखो ये समझना, ये बर्तन है, उसमें क्या है, एक गैस के मॉलिक्यूल, मतलब 2 तरह के गैस रखे हैं, एक गैस नंबर 1 हो गया, क्या हो गया गैस नंबर, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते, ये तुम्हारा क्या हुआ गैस नंबर ए, और ये हो गया गैस नंबर बी, मतलब इस बर्तन में कितने गैस है, 2 तरह के, ए और बी। अब बताओ
ये गैस है तो अभी ऐसी बात है, इस पे प्रेशर लगाया कि नहीं भाई? गैस है तो प्रेशर लगाएगा ही ना। और क्या ये गैस है तो ये देखेगा क्या? नहीं, ये भी प्रेशर लगाएगा ना, दोनों गैस प्रेशर लगाएंगे नहीं? तो ये जो कोई प्रेशर लगा रहा होगा, इसका कोई प्रेशर होगा, मान लो पी ए, पार्शियल प्रेशर ए, अपना ए प्रेशर लगा रहा होगा। और ये क्या अपना लगा रहा होगा? अपना कोई प्रेशर लगा रहा होगा पी बी, बोलो है कि नहीं? और ये कंटेनर पे कोई टोटल प्रेशर लग रहा होगा? डाल्टन साहब ने क्या बोला था? डाल्टन साहब ने बोला कि भैया देखिए, जो टोटल प्रेशर होगा ना, वो कुछ नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। क्या होगा? जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत? टोटल प्रेशर क्या होगा? दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। चलो अब इसको हम प्रूफ करते हैं, कैसे उन्होंने जो बोला इस बात को प्रूफ कर लेते हैं। नहीं समझ आया? देखो इधर देखो, ये तुम्हारा कोई गैस नंबर ए है, मतलब एक बर्तन में दो तरह के गैस रखे, मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रख लिए और क्या लेते हैं, आर्गन रख लिए, दो तरह के गैस रखते। और ये कंडीशन ये है कि दोनों गैस आपस में रिएक्शन ना कर ले, मतलब दोनों गैस जो है ना वो आपस में रिएक्शन नहीं करे। तो दो गैस रखे तो दोनों गैस ये कंटेनर में प्रेशर नहीं लगाएगा? हाँ, दोनों गैस आपस में रिएक्शन नहीं करे। ओके सर। तो ये देखो, दोनों गैस ये बर्तन पे अपना ये प्रेशर लगाएगा ना, तो प्रेशर लगाएगा तो क्या हो गया, ये इस पे कोई प्रेशर लगेगा। मान लो ए गैस नंबर ए पी ए प्रेशर लगा रहा है, गैस नंबर बी पी बी प्रेशर लगा रहा है, तो टोटल प्रेशर, डाल्टन ने बोला था कि टोटल प्रेशर कुछ नहीं होगा, दोनों के प्रेशर को ऐड कर देना, दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देना, तो आपको क्या निकल जाएगा? टोटल प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको इसको ये हम प्रूफ करते हैं कैसे उन्होंने किया, बहुत आसानी एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। देखो, अगर आपसे बोला जाए टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा, टोटल प्रेशर तो पी इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, पी वी बराबर एनआरटी। देखो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है ना, डब्बा का तो वॉल्यूम सेम ही है कि नहीं? वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो पी वी बराबर क्या होगा? टोटल मोल, टोटल मोल कितना है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन, और इंटू आर और इंटू टी, ना आप आर चेंज कर रहे हो ना टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो क्या हो गया, पी वी बराबर एनआरटी। इसको इक्वेशन आप वन माने। अब देखो गैस नंबर ए पार्शियल प्रेशर ही लगा रहा होगा, तो उसके लिए क्या लिखोगे, पी ए इंटू वी इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी, वो लिख सकते हो क्या ना, इसको इक्वेशन नंबर टू लिख दिए। अरे पीवी बराबर एनआरटी लिख रहे हैं, गैस नंबर ए लगाया होगा ना, तो क्या हो गया, पी ए बी इंटू एन ए आर टी। गैस नंबर टू कैसे, बी कैसे लगाया होगा, पी बी एन बी एन बी आर टी, इसको इक्वेशन थ्री लिख दिए। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा पीवी बराबर एनआरटी चल रहा है ना, टोटल प्रेशर हो गया पीवी बराबर एनआरटी, यानी कि पी इंटू बी और एनआरटी, एनआरटी एन में कितने मोल है, अरे ए के मोल है और बी के मोल है, दोनों के मोल को ऐड करो और आरटी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ए का ए क्या होगा भाई, ए के पास क्या है, बस ए मोल है, तो क्या लगेगा, पी ए बी एन ए आर टी। बी के पास क्या है, बस बी मोल है, अरे टोटल के पास दोनों का मोल था ना, तो ये हो गया। अब देखना क्या करना, अब तुम इस इक्वेशन टू को थ्री से ऐड कर देना, जैसे ही तुम टू को थ्री से ऐड करोगे तो देखो क्या होगा आपके सामने, पी ए प्लस पी बी और बी कॉमन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी आरटी हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं? यस सर, यस सर। अब देखो ये जो है, आप इक्वेशन फोर माने, देखो इक्वेशन वन और फोर को अगर तुम इक्वेट करोगे, देखो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी आर टी है और यहाँ पे भी एन ए प्लस एन बी आर टी है, तो दोनों इक्वल हो गया कि नहीं? पी टोटल, देखो पी टोटल इंटू वी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इंटू वी होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों का राइट हैंडेड साइड बराबर नहीं है, कर सकते हैं? बोलो, देखो ना राइट हैंडेड साइड में क्या है, इधर भी तुम्हारा क्या है, एन ए प्लस आर टी था, एन ए प्लस एन बी आर टी है, और यहाँ भी राइट हैंड साइड में क्या है, एन ए प्लस एन बी आर टी है, तो दोनों को बराबर कर दिए। yes, तो जब भी बराबर करोगे तो बताओ ये भी से भी कट नहीं जाएगा? yes, sir. समझ में आ रहा है? yes, sir. तो भी से भी कट गया,
तो पी टोटल क्या हुआ? पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, पी बी नहीं हो गया। तो यही तो डाल्टन इक्वेशन था, डाल्टन लॉ तो यही कह रहा था ना, पी टोटल क्या होगा दोनों के सम के बराबर, प्रूफ नहीं हो गया। चलो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताना, इक्वेशन टू में अगर वन को डिवाइड कर दिया जाए, इक्वेशन ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ के लिए, जो लाइन बोल रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर तुम पढ़ोगे तो तुमको याद आएगा। ये देखो वहां पे नहीं समझ में आता है, बच्चा अचानक से ट्वेल्थ में पढ़ता है नहीं समझ में आता है ये क्या कर दिया। देखो इक्वेशन टू को, इक्वेशन टू को अगर इक्वेशन वन से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा। इस इक्वेशन को हम फिर से यहाँ पे लिखते रहेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देखना बहुत अच्छा इक्वेशन आने वाला है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आने वाला है। देखो अब आप यहाँ पे देखना, डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, डिवाइड कर दीजिए, लो डिवाइड हो गया। अरे बोलो डिवाइड हो गया ना, डिवाइड हो जाएगा क्या, पी टोटल डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए, यही होगा ना। एन ए से प्लस में थोड़ी काटते हैं, नहीं नहीं प्लस में थोड़ी काटते हैं। अरे ये चलो हमने खैर उल्टा डिवाइड कर दिया, कोई भी नहीं उल्टा डिवाइड किया तो क्या होगा। अब देखो इसको अगर चाहो तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे नहीं कर सकते हैं। पलट लो, पलटने में क्या जाता है, तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं पी ए बाई पी टोटल इक्वल्स टू एन ए एन एन बी, बोलो लिख सकते हो। अब बताओ ये आपको याद है, ये एन ए क्या है, मोल है, ऊपर में मोल और नीचे में क्या है टोटल मोल, मोल बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन होता है क्या? यस सर, यस सर, इसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। भाई सब क्या मस्त इक्वेशन है। और मोल फ्रैक्शन को एक्स, चूंकि ए का मोल फ्रैक्शन है ना तो एक्स से लिख देंगे। यस सर, तो यहाँ पे लिख सकते हो पी ए डिवाइडेड बाई पी टी इज इक्वल टू एक्स ए। यस सर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या हो जाएगा पी ए एक्स ए, और यही इक्वेशन है जो क्लास में आता है और बच्चा सब माथा पकड़ लेता है। पी ए एक्स ए इंटू पी टी क्या हुआ, देखिए ये इक्वेशन कहता है कि अगर आपको ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है, किसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, ए का, अगर आपको ए का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो टोटल प्रेशर में ए के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना, टोटल प्रेशर में ए के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो बी का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, बी का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो तुम क्या करोगे ना, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी टोटल लिख दोगे कि नहीं? यस, यही डाल्टन्स लॉ था और ये डाल्टन्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। डाल्टन्स लॉ क्या कर रहा है, दो यहाँ पे दो पॉइंट कहते हैं डाल्टन्स लॉ में, पहला कि टोटल प्रेशर जो होगा वो सारे प्रेशर को सम कर दो, सारे प्रेशर को सम कर दो वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या ये तुम्हारा डाल्टन्स लॉ कब अप्लाई हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे थे और वॉल्यूम भी कांस्टेंट ले रहे थे, याद करो डब्बा में डब्बा लिए थे, डब्बा क्लोज था, बोले थे ना वॉल्यूम कांस्टेंट, यस सर वी इक्वल टू माइनस सर, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले रहे थे ना, यस सर, तभी तो आरटी ब्रैकेट के बाहर था ना, देखो आरटी ब्रैकेट के बाहर क्यों था, टेम्परेचर कांस्टेंट था ना, यस सर, यहाँ भी टी लिए, यहाँ भी टी लिए, यहाँ भी टी लिए, तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि भैया आप दोनों कांस्टेंट लो, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट लो वॉल्यूम को कांस्टेंट लो, तो जो टोटल प्रेशर होगा ना वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यही कह रहा था। उसके अंदर देखो ये सारे इक्वेशन हमने पढ़ ही लिया, देखो फिर से वही चीज लिखा हुआ है, पी टोटल क्या हो जाएगा, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, हमने ये पढ़ा भी कि भाई देखो ये हमने सारे डेरिवेशन देखे ना, ये पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, वही सब चीज लिखा हुआ है जो हमने अभी किया, ठीक है, जो अभी किया। ये देखो यही इक्वेशन हमारा लास्ट आया था ना, लास्ट इक्वेशन ये था, निकालना है तो एक्स थ्री लिखा हुआ है, और ये देखो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना,
आशा नाम कर देंगे, ठीक है। तो बोलो ये सेम वैसे ही है ना, देखो यहाँ पे पी टू पी थ्री पी वन पी टू, ठीक है। सर जो एक्स थ्री है मतलब इसको हम टोटल प्रेशर मानते हैं या पी थ्री को मानेंगे? अरे टोटल प्रेशर पीटी है, पीटी। अच्छा पी फॉर टोटल। भैया ये एक्स थ्री क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, लिखा हुआ है देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड थर्ड। एक्स थ्री क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन। अरे ये इक्वेशन था ना भाई, देखो इक्वेशन क्या था, पी ए बराबर क्या था एक्स ए इंटू पी इंटू में पी टू पी थ्री, और यही पीटी को यहाँ पे क्या किया है नीचे कर दिया है ना, यानी कि पी ए बाई पी टी इज इक्वल टू एक्स ए, यही था ना। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस यही था आज की क्लास का, एक इक्वेशन है इसको देख लो। कभी कभी जानते हो क्वेश्चन में ना ड्राई गैस का चर्चा कर दिया जाएगा, तुमको भी पता है। अगर मान लो प्रेशर अगर कोई ड्राई गैस है, वो ड्राई गैस कब बना होगा ऐसे समझो, अगर कोई ड्राई गैस है इसका मतलब क्या होगा, अरे क्या क्या लिखते हैं, ड्राई गैस का मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारा वेट गैस है, मतलब जो तुम्हारा वेट गैस मतलब समझे जिसमें वाटर वेपर हो, मॉइस्ट गैस। तो मॉइस्ट गैस में से, मॉइस्ट गैस में से क्या करो, अगर तुम माइनस कर दो एक्वस निकाल दो, तो एक्वस को माइनस कर दो यानी कि पानी को माइनस कर दोगे तो ड्राई गैस नहीं हो जाएगा। यस सर, एक्वस में से पानी को माइनस कर दो तो क्या हो गया, ड्राई गैस हो गया। तो अगर मान लो ड्राई गैस का प्रेशर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला का, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस डीजी लिख दे रहे हैं, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट मॉइस्ट गैस, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वाला एक्वस गैस, प्रेशर ऑफ एक्वस गैस। और इसी जो मॉइस्ट गैस होता है, देखो ये मॉइस्ट गैस में क्या है, मॉइस्ट गैस में तुम्हारा ड्राई गैस भी है और एक्वस गैस, मतलब ड्राई गैस भी और एक्वस भी गैस है, यानी कि मॉइस्ट गैस में तुम टोटल प्रेशर नहीं ले सकते हो। देखो ना कि मॉइस्ट गैस कैसे निकलेगा, ये इधर जाएगा तो ऐड नहीं जाएगा, ड्राई गैस प्लस एक्वस गैस इधर जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो ड्राई गैस प्लस एक्वस गैस इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू क्या जाएगा, टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ एक्वस। और ये क्वेश्चन में इसी एक्वस को आपको मेंशन करके लिखेगा, क्या एक्वस टेंशन करके आ जाता है, कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि वो क्या देगा, वो एक्वस टेंशन का वैल्यू दे देगा, एक्वस टेंशन का वैल्यू दे देगा और आपको टोटल प्रेशर आपको चाहिए होगा, क्योंकि देखो डाल्टन्स लॉ में टोटल प्रेशर यूज हो रहा था ना, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे थे, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे भाई एक्स ए इज इक्वल टू क्या था, एक्स ए इनटू पीटी पार्ट, ये एक्स ए इज इक्वल टू पीए बाय पीटी होगा। देखो मोल फ्रैक्शन अगर निकाल रहे हो तो आपको पीटी चाहिए ना, टोटल प्रेशर चाहिए। अब टोटल प्रेशर आप कैसे, अगर मान लो टोटल प्रेशर नहीं दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में क्या दे देगा, वो दे देगा एक्वस टेंशन दे देगा, वो क्या दे देगा एक्वस टेंशन का वैल्यू दे देगा। तो बस ये फॉर्मूला का आप अप्लाई करके ये पुट कर देना वैल्यू, आपको क्या निकल जाएगा, टोटल प्रेशर ही निकल जाएगा। yes, sir. Yes, sir. तो ये फॉर्मूला बस ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो ऐसा नहीं करना कि हम सरेंडर कर दें, तो आज की क्लास यहीं पे रहने दिया जाता है, ठीक है। किसी को ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत या कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो जल्दी से पूछ लो। सर पर एक्वस गैस का अगर वो देंगे फिर टोटल कैसे निकाल पाएंगे हम, हाँ एक्वस का नहीं दो वैल्यू दिया रहेगा, नहीं दो दो का वैल्यू दिया रहेगा तीसरा, ड्राई गैस का भी और एक्वस का भी, तो एक एक से कैसे आप निकाल लोगे, ठीक है दो का सर। जो हमने एक बॉक्स लेके दो दो गैसेस डाले थे उसके अंदर जैसे बोला था कि दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वो दो दोनों जब इनर्ट गैसेस होंगे तभी होगा ना ये, हाँ इनर्ट, हाँ जनरली इनर्ट गैस लेते लेंगे, ठीक है जनरली इनर्ट गैस लेंगे, मतलब अगर रिएक्शन ही कर लेगा तो पता चला कुछ और ही कहानी बना लेगा ना। यस सर, हाँ ठीक है, तो इनर्ट गैस लेंगे जैसे H2Cl2 नहीं ले सकते क्योंकि H2Cl2 रिएक्शन कर जाएगा, यस सर हाइड्रोजन फ्लोरीन ले सकते, लेकिन नियॉन आर्गन ले सकते हो ना, नियॉन आर्गन क्रिप्टन ये सब ले सकते हो। और किसी को कोई डाउट,
नो सर। चलो रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं फिर।